हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज बहुत ज्यादा लेट हो गया है मुझे व्लॉग स्टार्ट करने में। आप घड़ी देखेंगे तो 12 बज गए हैं पूरे। और आज मैंने ये अभी चावल बनाए हैं, सुबह हस्बैंड को दी है मैंने लौकी की सब्जी। और आज मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी चले गए हैं स्कूल 7:30 बजे, क्योंकि 7:30 से पहले ही चले गए हैं, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया है, 8 बजे का स्कूल हो गया है, तो जाहिर सा 45 मिनट पहले तो निकलना ही पड़ेगा, तो वो जल्दी चले गए हैं। तो आज मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ा था, तो मैंने लौकी की सब्जी बनाई। और मैंने कुकर में ना छोंक के कढ़ाई में छोंकी, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम ले गई। और गाइस पता है, हम लोग नीचे वाले फ्लोर में हैं, तो अगर कुछ सेकंड के लिए भी या कुछ मिनट के लिए भी दरवाजा ये वाला मेन गेट खुला रह जाता है, तो मेढक आ गया था आज, तो इन्होंने उसे बाहर निकाला। छोटा सा ही था, मतलब उसकी स्किन इस कलर की थी कि मेरी जो वॉल है उससे मैच कर रही थी, पता ही नहीं चल रहा था वो बैठा हुआ है। तो ऐसा है, अभी इसमें डबल डोर वाला दरवाजा है, तो डबल डोर लगा नहीं है, और पैसों की इशू की वजह से हम लोगों ने कुछ काम छोड़ रखे हैं। आप लोग बहुत कहते हो ना ऊपर वाला पोर्शन दिखाओ, मेरा बहुत मन करता है। देखो बना तो सेम ही है, लेकिन उसमें अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, दरवाजे लग गए हैं, कुछ चीज़ें और बाकी हैं जो मुझे अभी कंप्लीट करानी है, तो धीरे धीरे कराऊंगी। पहले नीचे का ही थोड़ा ठीक करा लूँ रहने लायक बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे जाली वाला दरवाजा है वो नहीं लगाया, जैसे कि बाहर ठंडी हवा चल रही बढ़िया सी, तो हम लोगों को गेट खोलना है, तो जाली वाला गेट अगर होगा तो मच्छर कीड़े नहीं आएंगे, क्योंकि आसपास पेड़ और थोड़ा सा खेत वगैरह ज्यादा है, तो मच्छर कीड़े बहुत आते हैं इस वजह से। तो वो सारे दरवाजे लगने बाकी हैं, वो लगेंगे धीरे धीरे करके। फिलहाल मुझे लगा कि मैं लौकी नहीं खाने का मन कर रहा है, तो लौकी रखी है, तो मैं चावल से लौकी भी खा लूंगी, और ये सब्जी कल की रखी हुई है आलू की, तो मैं चावल से मिक्स करके खाऊंगी। और अभी दूधर भैया आए थे, दूध दे के गए हैं। और मैंने आपको बताया था मेरे यहाँ की लाइट बहुत अच्छी आने लगी है, 24 घंटे रहती है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा चली जाती है, पता नहीं, मैंने कल ही शायद बोला था वीडियो में। और हमारे यहाँ लाइट जो है आज सारा दिन नहीं आ रही है, मतलब सुबह 8 बजे 9:30 बजे से गई हुई है, तब से अभी तक तो आई नहीं है, अब देखती हूँ कब आई। वैसे ये कॉर्नर कैसा लग रहा है मुझे आप बताओ, क्योंकि इसको मैं डेकोरेट करना चाहती थी, और भी कुछ चीज़ें किचन से रिलेटेड मंगाना चाहती थी, लेकिन मैं मंगा ही नहीं पाई। आप लोगों को पता ही है, बजट 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 ओनली बजट। ठीक है, तो जब होगा बजट तो मैं यहाँ के लिए कुछ और भी मंगाऊंगी। कुछ सजेशन दे सकते हो मुझे? मेरा एक ट्राईपॉड रखा हुआ है, बच्चों को दिखाती हूँ, चावल लेने जा रही थी, बच्चों को खिलाती हूँ मैं। देखो थोड़ा अंधेरा सा लग रहा होगा, लाइट नहीं है ज़्यादा, ये तो वाद्या बैठी है, अपना खिलौना खेल रही है, और खिलौने में भी पानी भर के लाई है, प्लेट में कुछ नमकीन रखे हुए हैं। ये दक्ष, दोनों लोग नहा चुके हैं, अब गर्म पानी से नहीं नहाते हैं, अब शावर से नहाते हैं बच्चे, टंकी का जो पानी आता है ऊपर से वो, क्योंकि अभी तक तो हम लोग गर्म पानी से नहा रहे थे, ठंड लग रही थी, होली के बाद से हम लोगों ने नॉर्मल पानी से नहाना शुरू किया है। चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। हाय गाइस, तो मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ फाइनली अपने फर्स्ट फ्लोर का होम टूर, जो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका पूरा फुल टूर कराने वाली हूँ, होम टूर कराने वाली हूँ, जो कि आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे। देखिए ऊपर वाला जो पोर्शन है वो अभी साफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे धूल वगैरह ज़्यादा आ रही है इस वजह से, लेकिन वहाँ के जो सामान था फैला पड़ा हुआ था वो सब कुछ हम लोगों ने सही कर लिया है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देते हैं, खाली पड़ा है पूरा पोर्शन, वो अभी और भी उसमें कुछ काम कराना है, वो सब हम कराएंगे। फिलहाल आपको लेके चलते हैं अपने ऊपर वाले पोर्शन में, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको ऊपर वाला घर। ये तो मैंने यहाँ से बंद कर दिया, अब मैं जा रही हूँ ऊपर, तो आप लोगों को लेके चलती हूँ। एंड आप लोग बहुत कमेंट किए हो ना, तो मेरा मन किया कि चलो आप लोगों को दिखाती हूँ कि हाँ कैसा है। तो फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे, ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर तक ही बना है, ऊपर छत है बस, बाकी का हम लोग नीचे रहते हैं। तो ये है हमारी बालकनी बाहर की, तो यहाँ से जस्ट मेरे पीछे दिख रही है, इसमें भी कांच लगनी बाकी है, और ये है गेट, ये मैंने ओपन किया, अब आगे है अंदर। सो गाइज, ये है हॉल एरिया, जैसा कि नीचे है सेम वैसा ही ये हॉल एरिया है, आप देख सकते हो, बस थोड़ी बहुत धूल वूल डली हुई है, क्योंकि जब खोल दो ना तो बहुत हवा से धूल आती है, इस एरिया में बहुत धूल आती है। यहाँ पे ये विंडो मिल जाती है बड़ी सी,
और इसमें कांच लगी हुई है एंड जो वो वाली विंडो है ना जाली वाली वो लगनी बाकी है। इसके जस्ट बाहर बालकनी दी गई है जो हम यूज़ करेंगे, गमले वगैरह लगाएंगे, पौधे वगैरह लगाएंगे उसके लिए। उसके बाद जस्ट सामने आपको दिख रहा है दो रूम, ठीक ऐसे ही नीचे मेरे रूम है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। फिलहाल जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मिल जाता है ये डाइनिंग एरिया स्पेस इस जगह पे, जो कि किचन के जस्ट सामने है। ये है हमारा ऊपर वाला किचन, इसमें हम लोगों ने सिर्फ एक सामने पूरे स्लैब डलवाई है। हम लोगों ने सोचा था नीचे भी सेम ऐसे ही करवा रहे थे, बट मेरा मन किया था कि यहाँ पर भी थोड़ा सा एक पड़ जाएगी बढ़िया, तो स्लैब तो थोड़ा सामान वामान रखने का और काम आएगा। लेकिन मेरी गलती थी, ये लंबी वाली जो रहती ना इसमें वार्डरोब वगैरह जो बनती है ना, जो बनती है मॉडर्न किचन वो बहुत अच्छी बनती है, तो यहाँ पर सीधा सीधा काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है हम लोगों को। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मैंने बनवा लिए वैसे ही, इसलिए मेरा मन था सफ़ेद पत्थर डलवाने का तो मैंने नीचे सफ़ेद पत्थर डलवाया है, लेकिन आप ये ब्लैक पत्थर है और मैं सजेस्ट करूँगी ये ब्लैक वाला ही बहुत ही अच्छा है। तो ये है और मैंने ऊपर और नीचे दोनों की किचन में सेम प्रिंट वाली टाइल्स लगवाई है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है रंगोली प्रिंट। एंड यहाँ पे स्विच बोर्ड दिया गया है जिसपे अभी हम कवर वगैरह लगने बाकी है, लाइट कनेक्शन सारा है, सब कुछ है, बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बाकी हैं, एक कोट पुट्टी और होगी, कलर वगैरह बाद में होगा। ये सेम सिंक दी गई हुई है दो जैसी मेरी है नीचे, अभी बिल्कुल न्यू है आप देख सकते हो, इसमें से ये कागज पन्नी जो लगी हुई है ये भी नहीं निकली है, अंदर स्टील है, ये पेपर लगा हुआ है। इसके साथ में ये एक बास्केट आई हुई है, ठीक ऐसी नीचे भी आई हुई है। सामने मिल जाती है एक विंडो जैसे कि हमारे पास नीचे है, वैसे ही यहाँ पे स्विच बोर्ड मिल जाता है आरओ के लिए, और इसमें गर्म पानी ठंडा पानी सारी चीज़ें कनेक्शन है, बस टूटी लगनी बाकी है। बस ये है, ये फर्नीचर नहीं हुआ है इस वजह से ये पूरा भी खाली है, और नीचे ये पूरी जगह है, बहुत सारा सामान आ जाएगा जहाँ फिर कैबिनेट बनवा लेंगे। अब आते हैं रूम में, ये है फर्स्ट रूम जो कि कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है, यहाँ पर काफ़ी स्पेस है, बहुत ज़्यादा बड़ा रूम है, और इसी रूम से अटैच बालकनी है, वॉशिंग मशीन एरिया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा बालकनी है। जब मैं आती थी ना, बहुत हवा चलती ना तो ऐसे दरवाजे होते हैं, जब मैं ऊपर आती थी ना घर देखने के लिए तब तो मैं यही का व्यू आप लोगों को दिखाती थी। ये है बालकनी एरिया, यहाँ पर वॉशिंग मशीन एरिया रहेगा, यहाँ पर कपड़े धो सकते हो और डोरी बांध के फैला भी सकते हैं हम लोग, लेकिन फिलहाल तो अभी हम नीचे ही हैं। और ये है खूब लंबी सी बालकनी, ये देख सकते हो इस साइड भी और इस साइड भी है ना, और बाकी का यहाँ पर मंदिर एरिया है, यहाँ दरवाज़ा लगेगा, अभी तो नहीं लगा है। ये है मंदिर एरिया, यह देख सकते हो खूब बड़ा सा है ना, तो ये है। और एक रूम जस्ट इसके बगल में है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी अंदर से, पहले मैं ये बंद कर देती हूँ क्योंकि तो हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि काम नहीं बन रहा है, अभी दरवाज़ा ही नहीं लग रहा लग गया। तो ये है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा वाला रूम। अभी दरवाज़ों में भी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं, पीछे से हैंडल नहीं है, कहीं कुछ बहुत बाकी है। तो ये वाला रूम जो है इसमें ना डोरी बांध रखी है, कपड़े फैला रखे क्योंकि हवा बहुत तेज आती है ना यहाँ पर, इस वजह से अपने कपड़े फैला रखे हैं बेडशीट वगैरह। तो ये है रूम, ये जो बेडरूम है जो कि अटैच बाथरूम के साथ में आता है, ये है बाथरूम, बाथरूम खोल के लिए दिखाएंगे, वेस्टर्न ही है, इंडियन नहीं है, वेस्टर्न है, और काफ़ी बड़ा रूम है, बेडरूम ही है ये क्योंकि इसमें अटैच बेड मतलब लेट बाथ है और काफ़ी अच्छा है। तो
तो ये डाइनिंग एरिया हो गया, ये वाला रूम हो गया, ये रूम हो गया, ये किचन हो गया, इधर हॉल हो गया, और आप दिखाते हैं इधर वाला। इधर ये है एक बाथरूम जिसमें सिर्फ हम लोगों ने वेस्टर्न ही रखा है और काफ़ी लंबा है, और अपने वाले पोर्शन में इंडियन वेस्टर्न दोनों रखे हुए हैं। तो नीचे वाले घर का फुल टूर मैं आप लोगों को किसी और दिन दूंगी। मैं सोच रही थी घर को सजा लूंगी तब दूंगी, मैं पर्दे वगैरह ले नहीं पा रही हूँ, इस वजह से नहीं दे पा रही हूँ। और जस्ट इसी के बगल में ही स्टोर रूम है, वो क्या था ना, उसमें मेरा ही कुछ सामान उल्टा सीधा भरा हुआ है जो हम लोगों ने हटा दिया है, बेकार था वो भरा हुआ है। बाकी का ये है हमारा ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर का पोर्शन जो कि मैंने पूरा आप लोगों को दिखाया, काफ़ी अच्छा है। एक तरीके से 3 BHK है, दो रूम, एक हॉल, एक स्टोर रूम, मंदिर एंड लेटबॉट एंड बेडरूम अटैच बाथरूम और किचन, बहुत बड़ा सा डाइनिंग एरिया भी है, बालकनी दो दो मिल रही है, बहुत ही अच्छा है। तो गाइज ये है हमारा घर, और सच बताऊँ नीचे से ज़्यादा ऊपर मज़ा आता है, लेकिन ये है कि हम लोग नीचे ही रहना पसंद करेंगे, और बहुत रहनी है ऊपर, इस वजह से जब मन होगा तब ऊपर, जब मन होगा तो नीचे, लेकिन फिलहाल तो नीचे भी कंप्लीट कराया है। और ऊपर जो है बहुत मज़ा आता है, सच बता रही हूँ, ऊपर वाला पोर्शन मज़ेदार है। तो बस ये था मेरा घर का सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर का पूरा हॉल होम टूर। आपको कैसा लगा? अब आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करना, क्योंकि मैंने आप लोगों की विश पूरी कर दी है। अब मेरे वीडियोस को प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? तो बस यही था, पूरा मैंने दिखा दिया आपको, अब मैं इसको बंद करती हूँ। जैसे बहुत ग्रीनरी दिखती है, बहुत मज़ेदार। तो अब चलते हैं नीचे, चलो हो गया पूरा होम टूर। तो बस अब मैं यहीं पे वीडियो को बंद करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।